हेलो स्टूडेंट्स टुडे वी स्टार्ट क्लास टेंथ में चैप्टर ट्वेल्व एक्सरसाइज ट्वेल्व पॉइंट टू क्वेश्चन नंबर फाइव इन अ सर्कल ऑफ रेडियस ट्वेंटी वन सेंटीमीटर एंड आर्क सब्सटेंस एंड एंगल ऑफ सिक्सटी डिग्री डिग्री एट द सेंटर फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क एरिया ऑफ द सेक्टर फॉर्म्ड बाय द आर्क एरिया ऑफ द सेगमेंट फॉर्म्ड बाय द कॉरस्पॉन्डिंग कॉर्ड आपको बेटा क्वेश्चन में बोला गया है आपको एक Uh, आपको सर्कल का रेडियस दिया गया है ट्वेंटी वन सेंटीमीटर ठीक है बेटा ये भी ट्वेंटी वन ये भी ट्वेंटी वन और बेटा यहाँ पे आपको सेंट्रल एंगल दिया गया है सिक्सटी डिग्री ठीक है फिर आपको बोला गया है लेंथ ऑफ द आर्क निकालनी है तो ये वाली आर्क आप देख रहे हैं ए सी बी आपको इसकी लेंथ निकालनी है एरिया ऑफ सेक्टर आपको निकालना ओ ए सी बी एरिया ऑफ सेगमेंट फाउंड बाय द कॉरस्पोंडिंग कॉर्ड तो सेगमेंट होती है आप ए बी को अगर आप ज्वाइन कर लेते हैं तो ये बीच वाला जो एरिया है ए सी बी के बीच वाला एरिया ये आपके पास सेगमेंट बन जाती है माइनर सेगमेंट ठीक है बेटा तो चलिए जो हमारे पास गिवन है वो लिखेंगे हमारे पास गिवन है रेडियस इसका रेडियस ऑफ अ सर्कल वो है आपके पास ट्वेंटी वन सेंटीमीटर सेंट्रल एंगल आपको दिया गया है थिट्टा वो है आपके पास सिक्सटी डिग्री ठीक है बेटा यहाँ पे अभी आप देखिए लेंथ आपको फाइंड करनी है उसके लिए फार्मूला क्या होता है बेटा लेंथ ऑफ द आर्क तो मतलब ये माइनर लेंथ ही चल रही है आपके पास थिट्टा पान थ्री सिक्सटी मल्टीप्लाई में टू पाई आर यह आपके पास लेंथ फॉर्म करने का फॉर्मूला है ठीक है आपने इसकी इंट्रोडक्शन ज़रूर देखनी है बेटा थिट्टा हमारे पास सिक्सटी है थ्री सिक्सटी या पॉन में टू पाई की वैल्यू नहीं दी इस क्वेश्चन में तो ट्वेंटी टू बाई सेवन आर ट्वेंटी वन है तो आप सॉल्व करेंगे ज़ीरो से ज़ीरो कट सिक्स वन ज़ा सिक्स एंड सिक्स सिक्स ज़ा थर्टी सिक्स सेवन वन ज़ा सेवन सेवन थ्री ज़ा ट्वेंटी वन ठीक है बेटा थ्री वन ज़ा थ्री एंड थ्री टू ज़ा सिक्स टू से टू कट तो हमारे पास जो लेंथ आ गई वो ट्वेंटी टू सेंटीमीटर आ गई ओके नेक्स्ट आपको क्या फाइंड करना है सेकेंड वाला वो है एरिया ऑफ सेक्टर एरिया ऑफ कौन सा सेक्टर है ये माइनर सेक्टर है आपके पास तो बेटा एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है थिट्टा अपॉन में थ्री सिक्सटी मल्टीप्लाई में पाई आर स्क्वायर तो छिट्टा की वैल्यू क्या है बेटा छिट्टा की वैल्यू आपको सिक्सटी दी गई है अपॉन में थ्री सिक्सटी मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू है ट्वेंटी टू बाई सेवन अगर क्वेश्चन में नहीं दी हो तो हम ये लेते हैं आर हमारे पास है ट्वेंटी वन और मल्टीप्लाई में ट्वेंटी वन ज़ीरो ज़ीरो ये कट गया आपके पास आ गया ये सिक्स ठीक है सेवन थ्री से हो गया थ्री टू से हो गया टू इलेवन से हो गया ठीक है इलेवन को इससे करेंगे टू थ्री वन सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा ओके बेटा नेक्स्ट आपको क्या फाइंड करना है एरिया ऑफ माइनस सेगमेंट ठीक है एरिया ऑफ माइनस सेगमेंट के लिए हमारे पास फॉर्मूला है एरिया थर्ड वाला ये पार्ट आपका ठीक है एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट ये वाला एरिया ए सी बी के अंदर वाला जो मैंने ये शेड किया है एरिया ये वाला इसका फॉर्मूला आता है बेटा आपके पास एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए सी बी इसमें एरिया ऑफ ट्राइंगल माइनस करेंगे एरिया ऑफ ऑफ द सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी अब यहाँ पे जो एरिया ऑफ ट्राइंगल सेक्टर तो आपके पास आ गया टू थ्री वन आपने अभी सॉल्व किया ठीक है बट बेटा एरिया ऑफ ट्राइंगल आप क्या लेंगे अब यहाँ पे देख रहे हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी आपके पास जो रेडिया ही हैं दोनों के वो क्या हैं ट्वेंटी वन दिए गए हैं ठीक है, है तो बेटा रेडियस अगर हमारे पास ये वाला आप देखिए ये एंगल है इसके इधर की साइड इधर की साइड क्या है ओ ए ओ बी इक्वल तो आप लिखेंगे इन ट्राइंगल ए बी ओ इक्वल टू ओ बी इक्वल टू कितना हुआ ट्वेंटी वन सेंटीमीटर ठीक है तो मतलब ये दोनों के दोनों साइडें इक्वल हैं तो इसके जो ये वाले एंगल हैं दोनों एंगल के अपोजिट एंगल क्या आ जाएंगे फिर इक्वल आ जाएंगे ठीक है बेटा अगर ये इक्वल आ जाएंगे तो यहाँ पे सिक्सटी है तो हमारे पास रिमेनिंग वन एट वन एटी में से आप सिक्सटी निकालेंगे तो बचा क्या वन ट्वेंटी वन ट्वेंटी को आप टू से डिवाइड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा ये सिक्सटी सिक्सटी तो आप सीधा ही इसको लिख लेंगे ओ एक्वल टू ओ बी तो ये वन ट्वेंटी है तो आप लिखेंगे ट्राइंगल ए बी इज एन इक्ुलेटरल ट्राइंगल ठीक है आपको बस इतना ही इसमें देना है ओके okay, बेटा तो चलिए इक्विलेटर ट्राइंगल का फॉर्मूला आता है वो आपको याद करना है स्केयर रूट अपॉन में स्केयर रूट थ्री अपॉन में फोर और आता है साइड का स्केयर ठीक है बेटा तो ये आ गया टू थ्री वन माइनस साइड आपके पास स्केयर कितना है साइड आपके पास यही साइड आई ना ट्वेंटी वन तो ट्वेंटी वन का स्केयर कर लेंगे रूट थ्री अपॉन में फोर अभी आपको रूट थ्री की वैल्यू यहाँ पे नहीं दी गई क्वेश्चन में तो आप यहाँ तक भी इसको छोड़ सकते हैं ट्वेंटी वन का स्क्र होता है फोर फोर वन रूट थ्री अपॉन में फोर ठीक है होल के साथ सेंटीमीटर स्क्वायर ओके यहाँ तक आपका आपके पीछे एन सी आर टी में आंसर जो आंसर है यहाँ तक है अगर आपने इसको आगे सॉल्व करना है तो आगे भी आप इसको कर सकते हैं रूट थ्री की वैल्यू होती है वन पॉइंट सेवन थ्री अपॉन में फोर तो ये आप पूरा सॉल्व करेंगे बेटा टू थ्री वन माइनस होल आप इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी वन नाइन ज़ीरो पॉइंट सेवन थ्री तो पीछे आ, इसको माइनस करेंगे फोर थ्री फोर जीरो फोर्टी और माइनस पॉइंट सॉरी ट्वेंटी सिक्स सेंटीमीटर स्क्वायर ये आपके पास इसका आंसर आ जाएगा ठीक है बेटा थैंक यू